वाटरमेलन जूस, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक तरबूज के छोटे छोटे क्यूब्स करके लिए हैं, 1 से 1.5 कप है। इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 4 से 5 पुदीना के पत्ते लिए हैं। ये काला नमक, 2 टेबलस्पून मैं शक्कर डालूंगी। आप अपने स्वादानुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं शक्कर। इसे हम पीसेंगे, मैंने इसे पीस लिया है। अभी इसे हम छान लेंगे। इसके अंदर के जो बीज है वो सारे निकल जाए। अभी इसे हम हटा देंगे। 1 ग्लास के अंदर कुछ आइस क्यूब डालेंगे और फिर इसके अंदर हम इसे सर्व करेंगे। पुदीने के पत्ते से इसे सजाएंगे। इस तरीके से ये हमारा वाटरमेलन जूस बनकर तैयार है। आज हम बनाएंगे वाटरमेलन पॉप्सिकल। उसके लिए मैंने यहाँ पर तरबूज के यानी कि वाटरमेलन के कुछ क्यूब्स निकाल के लिए हैं, इस तरह से कट करके लिए हैं। इसके अंदर डालेंगे ये 6-7 पुदीना के पत्ते। तो मैं इसे मिक्सी जार में डाल रही हूँ। ये मैंने सीड्स के साथ ही लिए हैं, तो इसे हम बाद में छान लेंगे। क्या है ये, 2 कप है। स्वीटनेस के लिए उसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच हनी। इसमें हम पानी वगैरह नहीं मिलाएंगे। इसे इसी तरीके से हम पीसेंगे। पीसने के बाद हम इसे छान लेंगे। इसके अंदर जो मोटे मोटे पीसेस हैं इसे हम अच्छी तरह से इसके अंदर स्मैश करेंगे। मैंने इसे नेचुरल रखा है, सिर्फ पुदीने का फ्लेवर दिया है और हेल्दी बनाने के लिए इसे मैंने स्वीटनेस के लिए हनी का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इसमें शक्कर या मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरीके से आप इस जूस बनाकर भी दे सकते हैं बच्चों को। आप इसमें चाट मसाला या काला नमक भी डाल सकते हैं। आपके बच्चे जूस नहीं पीना चाहते तो इस तरीके से, अगर आपके पास मोल्ड है तो मोल्ड के अंदर डाल के आप इसके पॉप्सिकल बना सकते हैं। मैं इसे ये ढक्कन लगा रही हूँ। अगर ऐसे वाले ढक्कन आपके पास नहीं है तो आप आइसक्रीम स्टिक भी लगा सकते हैं। और इसे अभी मैं 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीजर में सेट होने के लिए रखती हूँ। मैंने इसे ओवरनाइट फ्रीजर में रख दिया था। अभी इसे हम खोलकर देख रहे हैं। देखो कितनी अच्छी तरह से हमारे पॉप्सिकल बनकर तैयार है। इस तरीके से हमारे वाटरमेलन पॉप्सिकल बनकर तैयार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।